हेलो एवरीवन एंड टीचर फॉर योर क्वेश्चन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम जंप फ्रॉम शेल नंबर फोर टू शेल नंबर वन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इमिटेड तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से पहले शेल में आ रहा है तो अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट हो रही है यानजिशन करस्पॉन्ड टू फोर्थ शेल टू सेकेंड सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल बी इमिटेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से दूसरे शेल में आ रहा है तो कौन सा कलर का यहाँ पे इमिशन मिलेगा तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपको फोर्थ शेल से दूसरे शेल में हो रहा है तो यहां पे कौन सा कलर इमिट होगा तो ये आपका एक विजिबल रीजन रहेगा विजिबल रीजन है एक रहेगा। तो विजिबल रीजन मतलब बालमर सीरीज होता है और बालमर सीरीज के अंदर आपको कौन कौन से कलर शो होते हैं वायल चौर तो यहाँ पे आपके एक तो पहला रहेगा वायलेट दूसरा रहेगा इंडिगो तीसरा रहेगा ब्लू चौथा रहेगा ग्रीन उसके बाद है येलो उसके बाद है ऑरेंज उसके बाद है रेड तो इनमें से कोई भी एक कलर शो हो रहा है तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विविचेबल रीजन के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन बालमर सीरीज के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे पहले शेल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे वायलेट अल्ट्रा वायलेट लाइट यहाँ पे इमिट हो जाएगी सेकंड शेल के अंदर आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आएगा कोई भी एक ऑप्शन कोई भी या तो वाइलेट आ सकता है नहीं तो इंडिगो आ सकता है नहीं तो ब्लू आ सकता है नहीं तो ग्रीन आ सकता है नहीं तो येलो आ सकता है नहीं तो ऑरेंज आ सकता है नहीं तो रेड आ सकता है अल्ट्रा वायल्ट और इंफ्रा रेड ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएंगे तो यहाँ पे इनमें से कोई एक ऑप्शन यदि है तो इसका मतलब है वो सेकंड शेल के अंदर आ रहा है वो एक बालमर्ग सीरीज के अंदर आ रहा है कोई विजिबल रीजन के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर तो यहाँ पे मैं लिखूंगा option 2 is correct answer i have understand the explanation thank you